जिसमें से मैंने ट्वेंटी सेवन डेज का डिसाइड किया है एंड बाकी के थ्री डेज़ का जो रह गया था वो मैंने नहीं किया मैंने सोचा कि कभी हम किसी के घर अफ्तार पर चले जाते हैं और कभी कोई आ सकता है हमारे घर पर या कभी हम बाहर से अफतार कर सकते हैं तो तीन दिन की खैर है ट्वेंटी सेवन डेज़ का तो मेन्यू होगा तो लास्ट जो मैंने रमज़ान की एक लिस्ट थी यहाँ पे आ जाएगी यहाँ या यहाँ कहीं एक जगह पे आ जाएगी गो चेक दैट वीडियो आउट उसमें मैंने पूरी लिस्ट दी थी फूड आइटम्स की फ्राइंग भी था और मील टाइप प्रॉपर खाना भी था एंड इस वीडियो में मैं उन सबको यूज़ करते हुए एक मेन्यू प्रिपेयर कर करके बताऊंगी आपको जो मैंने प्रिपेयर किया है सो लेट्स डू दिस ओके तो सबसे पहले दिन हमारा जो मेन्यू है उसमें आएगी फ्राइंग वाली चीज़ों में मैंने डिसाइड किया है पटेटो पकौड़ा वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स एंड चिकन नगेट्स। ये तीन चीज़ें मैं फ्राई करूँगी पकौड़ाज आप अपने हिसाब से मतलब जितने लोग हैं उस हिसाब से आप लोग उसकी क्वान्टिटी बना लें स्प्रिंग रोल्स जो हैं ईच वन मतलब ईच पर्सन के लिए एक काफ़ी होता है अगर कोई ज़्यादा खाते हैं तो आप दो भी कर सकते हैं एंड चिकन नगट्स लाइक तीन चार इज़ इनफ लाइक like, एक बंदे के लिए तो इस तरह से मतलब आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लें मैं तो अपने हिसाब से करूँगी लाइक थ्री या फोर नगेट्स होंगे स्प्रिंग रोल शायद एक होगा या दो हो में भी और पकौड़ाज जितने हम खाते हैं उस हिसाब से थोड़े से पकौड़ाज होंगे तो फ्राइंग के आइटम्स ये हैं जो अफ्तार के टाइम हम लोग खाएंगे एंड देन उसके बाद जो खाने वाली आइटम है ना मतलब जब नौ दस बजे या जब आपको भूख लगे तब जो खानी है दैट इज़ अल्फ्रेडो पास्ता तो ये है फर्स्ट डे का सेकेंड डे पे हम खाएंगे फ्राइज फ्राइंग आइटम्स में फिर है चिकन चीज़ समोसी देन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स एंड हाँ बस ये तीन चीज़ें अफ्तार के टाइम होंगी एंड उसके बाद जो मेन खाना है दैट इज़ पोटैटो राइस विथ चिकन स्ट्रिप्स तो चिकन स्ट्रिप्स मेरी फ्राइंग आइटम्स में से ही हैं लेकिन राइस के साथ वो अच्छी लगती हैं तो मैं उनके साथ उसको फ्राई करूँगी थर्ड पे है चिकन पकोड़ास एंड पोटैटो पकोड़ास एंड चीज़ बॉल्स तो पकोड़ास दो टाइप्स के बनाएंगे और साथ में चीज़ बॉल्स होंगी और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लें एंड जो मेन खाने की चीज़ होगी वो होगी कुछ टाइम बाद जो हम खाएंगे दैट इज़ चिकन ब्रेड फोर्थ पे है पोटैटो पकोड़ास एंड पेरी बाइट्स एंड चिकन मिन्स एंड क्रीम ब्रेड रोल्स तो ये तीन चीज़ें होंगी एंड देन खाने में होगी स्पेगरी फिफ्थ पे है अनियन रिंग्स वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स चिकन चीज़ समोसी ये तीन चीज़ें हैं और इसमें मैंने थोड़ा कम रखा है लाइक वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स एंड चिकन चीज़ समोसी है उसके अलावा अनियन रिंग सिर्फ मैं खाती हूँ पकौड़े वगैरह ऐड नहीं किए बिकॉज खाने में होगी बिरयानी एंड उसके उससे पहले पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए सिक्सथ पे है पटैटो समोसी स्पाइसी विंग्स वेजिटेबल ब्रेड रोल्स एंड देन खाने में होगा शारमा और मैं बहुत अच्छे शॉर्मा बनाती हूँ शेरी लव्स टाइम सेवनथ पे है चिकन लॉलीपॉप्स चिकन एंड पटैटो क्रॉकेट्स एंड पटैटो पकोड़ाज एंड रात को होंगे ग्रिल टिक्का सैंडविचेस एट्स पे है पोटैटो पोटेटो मतलब जो मैं नंबरिंग ले रही हूँ ना वो एट्थ रोजा, रोजा इस तरह से है तो so, एट्थ पे है पोटैटो एंड चिकन चीज फिंगर्स और खाने में होगा पेरी पेरी चिकन विद मैश पोटेटो नाइन्थ पे है अगेन फ्राइज एंड साथ है चिकन डोनट्स साथ में होंगे मेक्सिकन रोल्स एंड रात को खाने में होंगे सब्वे बर्गर्स टेंथ रोजा पे पटेटो समोसी चिकन नगेट्स चिकन ब्रेड रोल्स एंड खाने में होंगे सिंगापोरियन राइस एलेवेंथ रोजा पे होगा डायनामाइट चिकन साथ में वेजिटेबल ब्रेड रोल्स एंड पेरी बाइट्स और यहाँ पे बिकॉज एक दिन पहले मैं सिंगापोरियन राइस बना रही हूँ दैट इज़ टेंथ रोज़ा तो एलेवंथ रोजे पे भी मैंने लिखा है वाइट चना चाट सो दैट शेरी कैन ईट सिंगापोरियन राइस एंड आई कैन हैव लाइक चना चाट ट्वेल्थ इज़ चिकन मिन्स एंड क्रीम ब्रेड रोल्स वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स एंड चिकन चीज़ समोसी और रात को खाने में होगा ग्रीन चिलीज तवा चिकन अच्छा ये जो मैंने बात बोली है ना ये आप मेरी अगर लिस्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि राइस के नेक्स्ट डे ही मैं क्यों कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ दही बड़े या चाट टाइप की चीज़ बिकॉज माई हस्बैंड डज़ नॉट लाइक चाट्स टाइप चीज़ कोई भी दही वाली चीज़ या सब्जी वाली चीज़ वो नहीं खाते हैं प्याज टमाटर वाली तो चाट्स में और दही बड़े में ये सब कुछ होता है तो ही डज़ नॉट लाइक दैम तो इसलिए मैं एक दिन पहले जब राइस बनेंगे नेक्स्ट डे ये बनाऊँगी सो आई कैन हैव दैट आई कैन इन्जॉय दैट फ्रीली एंड शेरी अपने राइस खा सकें थर्टीनथ रोजे पे होंगे चिकन पकोड़ास पटेटो पकोड़ास एंड वेजिटेबल ब्रेड रोल्स एंड रात को खाने में होंगे पीस पुलाओ विद चिकन स्ट्रिप्स फोर्टीन रोजा के दिन होगा चिकन लॉलीपॉप्स स्पाइसी विंग्स पटेटो समोसी एंड दही बड़े बिकॉज एक दिन पहले राइस बन रहे हैं फिफ्टी रोजे पे होंगे चीज़ बॉल्स चिकन डोनट्स वॉन्टॉन्स एंड रात को खाने में होंगे क्रिस्पी चिकन बर्गर्स सिक्सटीथ रोजा पे होगा चिकन नगेट्स चिकन चीज़ फिंगर्स एंड मैक्सिकन रोल्स और रात को होंगे लोडेड फ्राइज फॉर सेवेंटीन थ्रोजा पेरी बाइट्स चिकन एंड पोटैटो चिकन एंड पोटैटो क्रॉकेट्स एंड पोटैटो पकोड़ाज एंड रात को होंगे चाइनीज राइस विद ग्रेवी एटीन रोजा के दिन होंगे पोटैटो स्पायरस चिकन ब्रेड रोल्स वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स एंड रात को ब्लैक चना चाट बिकॉज एक दिन पहले बन रहे हैं चाइनीज राइस सीम्स लाइक मैं कोई न्यूज़ पढ़ रही हूँ या कुछ रीडिंग कर रही हूँ नाइन्टीन पे है पटेटो समोसी अनियन रिंग्स चिकन पकौड़ा चिकन मिन्स एंड क्रीम ब्रेड रोल्स ये मैंने इस दिन थोड़ी ज़्यादा फ्राइंग वाली चीज़ें रखी हैं बिकॉज रात को ब्रेड पिज्ज़ा होगा एंड दैट इज़ नॉट वेरी फुल फिलिंग बहुत ज़्यादा पेट भरने वाली चीज़ नहीं है ट्वेंटी रोजे पे होगा स्पाइसी विंग्स वॉन्टॉन्स मैक्सिकन रोल्स एंड रात को खाने में चाउमिन ट्वेंटी फर्स्ट रोजे पे होगा फ्राइज चिकन लॉलीपॉप्स चीज़ बॉल्स एंड रात को वाइट सॉस चिकन विद राइस ट्वेंटी सेकेंड रोजा पे होंगे चिकन डोनट्स पोटैटो स्पायरल चिकन स्ट्रिप्स एंड रात को खाने में होंगे टोटेला रैप्स ट्वेंटी थर्ड रोजे पे होंगे चिकन ब्रेड रोल्स चिकन एंड पोटैटो क्रॉकेट्स पोटैटो पकोड़ाज एंड रात को खाने में होगी सॉसी मेकरोनी ट्वेंटी फोर्थ रोजा पे होगी चिकन चीज़ समोसी वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स पोटैटो पकोड़ाज एंड या चिकन पुलाव होगा और उसके साथ होंगी चिकन चीज़ फिंगर्स मतलब ये मैं इफ्तार के टाइम फ्राई नहीं करूँगी चिकन चीज़ फिंगर्स रात को प्लाव के साथ होंगी ट्वेंटी फिफ्थ रोजा पे है नगेट्स मैक्सिकन रोल्स चीज़ बॉल्स एंड देन रात को पिज्ज़ा ट्वेंटी सिक्स रोजा पे है पेरी बाइट्स पटेटो समोसी वनटॉन्स फ्राइज एंड रात को खाने में क्रिस्पी चिकन ट्वेंटी सेवन्थ रोजा पे होगा चिकन ब्रेड रोल्स ची चिकन चीज़ फिंगर्स पटेटो पकौड़ाज एंड रात को खाने में पराठा रोल्स तो मुझे मेन खाने की चीज़ें ट्वेंटी सेवन ही समझ आई थी इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आईडियस आइडी कि मैं तीन दिन छोड़ देती हूँ बीच में से कोई भी तीन दिन हो सकता है कभी स्कैप हो जाए कभी हम बाहर कुछ खा लें या कभी किसी की दावत हो जाए घर पर कुछ इस तरह का सीन हो सकता है तो इसलिए मैंने तीन दिन छोड़ दिए हैं एंड आप भी छोड़ सकते हैं ये एक मेन्यू मैंने आपको दे दिया है थर्टी डे का एंड दिस इज़ वेरी प्रोमिसिंग सब कुछ घर पर बनेगा कुछ बाहर से नहीं आएगा एंड यू कैन एक्चुअली ओके okay, आ गई है मेरे पास इन वीडियो एंड हो चुकी है इफ आई हेलो करें वीडियो में हेलो करें आज आज मेरा बेटा हेलो करें ओ हेलो कर दो तो? मेरे बेटू की तबीयत थोड़ी शिखाब हुई है आजकल सब को फ्लू हो रहा है घर में तो खैर दैट वाज दैट वाज अ वीडियो आई होप यू गाइस टेक बेनिफिट फ्रॉम इट ये क्या कर रहे है गुस्सा क्यों कर रहे है गुस्सा गुस्सा क्यों आ रहा मेरे बेटे को नो no,